हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है फिलोसॉफिकल सीरीज में। मैं श्री चैतन्य चंद्रदास, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, ये स्टोरी बताते हैं अपने लेक्चर में। तो वो बताते हैं कि कैसे एक बार गोकुल धाम, बेलगांव के पास एक गोकुल धाम है, बड़ा जगह है, 400 एकड़ का जगह है, वहाँ पे लैंड मिला है, वो फॉरेस्ट है। तो उधर एक बार हमारे एक ब्रह्मचारी गए थे, सैफरन ब्रह्मचारी, उधर रहने के लिए, कुछ दिन रहने के लिए। तो शाम के समय ऐसे ही वो टहल रहे थे, घूम रहे थे, लेकिन वो जंगल इतना घना है, बहुत घना जंगल है, इट्स अ रिजर्व फॉरेस्ट, 400 एकर्स ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट। तो ये जो ब्रह्मचारी थे वो वहाँ पे घूम रहे थे रास्ते पे, तो अचानक उन्होंने सामने एक हाथी देखा, अ वाइल्ड एलिफेंट। और सोचिए, वो सर्कस का एलिफेंट नहीं था, इट वॉज अ वाइल्ड एलिफेंट। और जैसे ही ये हाथी ने देखा इस ब्रह्मचारी को, तो वो तुरंत गुस्सा हो गया। और जो एंग्री एलिफेंट, सोचिए, एंग्री एलिफेंट मीन्स डेथ ओनली एंड नथिंग एल्स। और जो हाथी होता है ऐसा खतरनाक भागता है, और जो मारता है तो इट्स वेरी पेनफुल डेथ। तो ये ब्रह्मचारी डर गया, जैसे वो मुड़ के भागने लगा हाथी उनके पीछे, ब्रह्मचारी आगे आगे, हाथी उनके पीछे पीछे, ब्रह्मचारी आगे आगे। अब वो बोला कि अब तो कुछ खैर नहीं, अब तो डेथ इज सर्टन। तो बहुत डर गया ब्रह्मचारी, लेकिन भाग रहा था, और हाथी भाग रहा था, हाथी तो थक नहीं रहा था, और हाथी तो भागता है काफी, और ये ब्रह्मचारी भाग रहे, और घना जंगल, कोई आजू बाजू में नहीं है। तो ये ब्रह्मचारी सोच रहा था अभी क्या होगा, जोर जोर से भगवान को पुकार रहा था। तो उस समय उस ब्रह्मचारी को एक चीज याद आ गई भगवान की कृपा से, कि जब हाथी पीछे लगता है, उन्होंने स्कूल में पढ़ा था, तो क्या करना चाहिए, ऐसा जो स्लोप होता है नीचे, जब स्लोप जाता है तो उधर भागना चाहिए। अगर उधर भागते हैं नीचे, ऐसा स्लोप आता है, तो हाथी भाग नहीं सकता उधर नीचे, जब स्लोप जाता है, ऐसे डाउन स्लोप होता है, तो हाथी उधर फास्ट भाग नहीं सकता, क्योंकि हाथी हेवी होता है उसका बॉडी, तो वो गिर गया तो उसको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हाथी स्लोप से भागता नहीं, ही अवॉइड स्लोप। तो जब उसने देखा वो ब्रह्मचारी ने, एक स्लोप था ऐसे नीचे, तो तुरंत जो ब्रह्मचारी था उधर से भागा उधर स्लोप पे, तो हाथी ने ऊपर से देखा वो, फिर उसने छोड़ दिया उस ब्रह्मचारी को। तो महाराज बता रहे थे, व्हाट इज द कंक्लूजन ऐसा है कि द एलिफेंट इज कंपेयर्ड टू द ऑफेंस, मैड एलिफेंट ऑफेंस बोलते हैं ना, जो वैष्णव अपराध जब करते हैं तो उसको कहा है हाथी माता, यानी मैड एलिफेंट ऑफेंस। अगर हम वैष्णव के प्रति कुछ अपराध करते हैं तो दैट इज कंसिडर एज लाइक मैड एलिफेंट, तो मैड एलिफेंट सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अगर हम वैष्णव अपराध करते हैं तो हमारी भक्ति डिस्ट्रॉय हो जाती है उसके कारण। तो इसीलिए जब मैड एलिफेंट ऑफेंस जो हमारे पीछे लगता है, यानी हम अगर किसी वैष्णव का अपराध करते हैं, तो सोल्यूशन क्या है, गो डाउन, यानी वी शुड बो डाउन टू दैट वैष्णव हम्बली एंड आस्क फॉरगिवनेस। अगर हम हम्बल होके, नम्र होके उस वैष्णव से माफी मांगेंगे, तो ये जो हाथी है, मैड एलिफेंट ऑफेंस जो है, वो चला जाएगा, नहीं तो हमारे पीछे लगेगा और हमारी पूरी भक्ति डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये ट्रू स्टोरी दैट हैपन्ड इन गोकुलधाम बेलगांव। इज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज ये बताते। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।